अस्सलाम वालेकुम, इट्स अनस आल बिलांग्स एंड गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। और अभी मैंने मीठा बनाना है, सो लेट्स स्टार्ट मेक अ मीठा। और आज मैं सुबह से बना रही हूँ क्योंकि कल काफ़ी देर हो गई थी और हमारी गैस आपको पता 11 बजे चले जाती है, तो काफ़ी लेट नाइट सोए। और अभी बाहर अजान और मतलब नमाज हो रही है ईद की और मैं जल्दी से मीठा बना रही थी। थोड़ा सा ना फ्यूजन बनाने वाले हैं विद सेवइयां और वनीला कस्टर्ड ऐड करके, ठीक है जी। सो मैं कस्टर्ड बनाऊंगी और साथ में वनीला और सेवइयां भी ऐड। तो मैंने अभी इसमें शुगर ऐड कर दिया, जैसे बॉइलिंग उसमें आएगा फिर हम उसके अंदर वो ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने इसको बना के रखा है। और यहाँ मैंने जो है दो बाउल्स ले लिए हैं, ठीक है, अलग अलग बाउल्स में सर्विंग करूँगी मैं, क्योंकि गेस्ट जैसे आपके आते हैं तो कभी कोई वन डे आता है तो सेकेंड डे भी आता है, तो उस हिसाब से फिर मैं इसको जो है ना डेकोरेटिव कर लूँगी। और आज मैं इसको डिफरेंट फ्यूजन के साथ बना ली कि वनीला कस्टर्ड लूँगी, उसके बाद अभी हम सेवइयां लेंगे वर्मे से लिए और उसको भी हल्का सा सौते करेंगे और साथ में गार्निश भी कर देंगे अपनी। गार्निश में हम बादाम और किशमिश ऐड कर देंगे, जैसे और मज़ेदार सा हमारा जो है ना फ्लेवर रेडी हो जाएगा। यहाँ मैंने इसको हल्के से ऑयल में सौते कर लिया है, वहाँ कस्टर्ड तैयार है, अब इसकी हम लेवरिंग करेंगे, ठीक है, जैसे हम करते हैं। और मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ फाइनल, ठीक है, विद गार्निश इससे कर लेंगे हम। और हमने बनाया है रफान का वनीला कस्टर्ड। सो मैंने पहले सेवइयां नहीं वो बनाना था खीर, बट ड्यू टू द टाइम मैंने दूध कल दाद काफ़ी देर में आया तो दैट्स व्हाई मैंने भी इसको स्किप ऑफ कर दिया। और अब हम इसकी दो अलग अलग बॉल में लेयरिंग कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेयरिंग करना। और साथ में अब नमाज पूरी हो चुकी है और आप सुन भी रहे होंगे, ठीक है। कोशिश करें कि ठंडा हो जाए, लेकिन अभी मैं तो गर्म गर्म ही कर रही हूँ। वी हैव अ नो ऑप्शन ना, ताकि ठंडा भी हो जाती है।
सो अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। मैंने जो वर्मीसिली यूज़ किया उसके अंदर जो है ना मैंने थोड़ी सी वो कर दी है वैनिला एसेंस ऐड किया है ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो थोड़ी मज़े की हो जाएगी, एक अलग सा डिफरेंस आपको जो मज़े का टेस्ट लगेगा। सो यू कैन यूज इट लाइक दिस एज वेल, क्योंकि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं सो मैंने सोचा क्यों ना एक डिफरेंट लुक इसको दे देते हैं। सो इस तरह से मैं गार्निश कर दूंगी और सेंटर पे इसमें हम जो है ना इसको ऐड कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ऐसे गार्निश कर दी है और इन द सेंटर ऑफ द पीस आई एम यूजिंग दिस। हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे बस, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा तैयार हो चुका है मीठा। फाइनली बच्चे उठ चुके हैं और हमारा नाश्ता स्टार्ट होने वाला है और हम बना रहे हैं ब्रेड ऑमलेट का नाश्ता। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट मेकिंग द ब्रेड फर्स्ट। ठीक है, इसको हम जस्ट सेकेंगे, चाय बनाएंगे और अंडा बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं जो हूँ कोयला कढ़ाई बना लूँगी डे वन के लिए और साथ में बिरयानी का मूड है मेरा। तो हम 1 kg से ऊपर चिकन का लेकर आए थे, 900 पर kg दे रहे थे और ब्लैक में क्योंकि कहीं मिल नहीं रहा था सो हमने वो ख़रीदा। और अब जो है फिर मैं वो भी बनाऊंगी बिरयानी, और दोनों चीज़ें बनाने का इरादा, और अभी ये बनाते हैं। सो आई एम जस्ट कटिंग द आनियन हेयर। पापा नीचे ही खड़े हैं, पापा पानी भरने गए हैं बाहर, इधर नहीं है। केक भी दे, देखी दे। उठाइए यहाँ से। नाश्ता ऑन दी वे है, ये देखें आप बे हो गया और मैंने पैक भी कर लिया। और हमारी चाय भी तैयार है आज, तो आज सही प्रॉपर बनी है जैसे मैं पीती हूँ। सो जी अब लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं फॉर आर बिरयानी एंड उस कढ़ाई। चलो
सो लेट्स स्टार्ट मेक द कढ़ाई फर्स्ट। अच्छा मैंने इसकी मैरिनेशन पहले कर दी, ठीक है। अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर चिकन ऐड करके छोड़ दिया, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, प्याज लिए हैं दो, उसको अच्छे से चॉप कर लिया विद ग्रीन चिलीज, इसको हम इसमें डाल के ना और करेंगे, फिर मैं साथ ही बिरयानी का मसाला भी चढ़ा दूँगी। तो दोपहर का खाना हम लजपत से अपने घर पर ही खाने वाले हैं और फिर इंशाल्लाह रात में देखते हैं क्या फ्लोर प्लान है हमारा। सो यहाँ मैं प्याज कर रही हूँ ब्राउन फॉर द बिरयानी। बहुत टाइम के बाद ना बिरयानी का बड़ा मूड था मेरा, तो आज हमने ईद पर बिरयानी भी रखी है। और यहाँ हमारा चिकन भी गल रहा है फॉर कढ़ाई या कोयला कढ़ाई बनेगी, जो मेरी सिग्नेचर डिश है और मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इवन कि मेरे भाइयों को भी अच्छी लग गई है। सो अभी मैं अपने हस्बैंड के बहुत पुरसरार फरमाइश पर बना रही हूँ। क्या बेटा, वहाँ पर जो है दोपहर का खाना बन चुका था और हमारे जो है रिलेटिव अभी शिफ्ट हुए थे, तो ईद का दिन था और उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ था, तो हमने जो खाना बनाया था फिर हम वहाँ लेके गए और हमने वहीं पर हम लोगों के साथ मिलकर जो है ना खाना वहाँ खाया, ताकि क्योंकि उनकी शिफ्टिंग अभी हुई थी, तो अभी जो है स्टोव वगैरह नहीं लगाया था, तो दैट्स व्हाई, और कोई था भी नहीं पास में, तो हमने वहाँ पर जाके फिर उनके साथ उनको भी सर्विंग वगैरह की। और ये उनके पैरेंट्स से आप भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। वापसी में बड़े भाई के घर पे दावत थी, तो ये रात का खाना है और बस व्लॉग यहीं पर एंड होता है। और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, कहीं और होता तो बंदा व्लॉगिंग नहीं कर पाता। सो ये था हमारा छोटा सा ईद देवबन व्लॉग। उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो हो वो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।